त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लव देब के घर पर हमला हुआ है। पुश्तैनी मकान पर तोड़फोड़ के बाद आग लगाई गई है। सीपीएम कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ने आरोप लगाया है, हमलावरों ने वाहनों को क्षतिग्रस्त किया है। तो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देब के पुश्तैनी घर पर हमला हुआ है। उदयपुर के जमजूरी में स्थित यह घर जहां पर हमला हुआ है, जहां पर हमलावरों ने घर पर आग तक लगा दी। बता दें आपको, 4 जनवरी को बिप्लव देब के पिता की पुण्यतिथि है, वो इस मौके पर हवन करने वाले हैं। पुण्यतिथि के एक दिन पहले पूर्व सीएम के पैतृक आवास पर यह हमला किया गया। इस हमले को सीपीएम की साजिश बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने यह हमला किया है। तो 2008 में त्रिपुरा में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। 14 मई 2022 को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। उनकी जगह मानिक शाह को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और राजनीति भी इस पर अब शुरू हो गई है। तो पूर्व सीएम बिप्लव देब जिनके घर पर हमला हुआ, वाहनों में तोड़फोड़ तक की गई, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। हम यहाँ माता सुंदरी के दर्शन करने आए हुए थे और हमारे गुरुदेव जी के सानिध्य में यहाँ पे कल पूजा पाठ होना था। श्री श्री ये पीठाधीश्वर जी हैं त्रिपुरा सुंदरी के, हरिओम जी महाराज। तो उन्होंने हमें यहाँ यज्ञ के निरीक्षण के लिए भेजा था। एकदम से मुसलमानों की बहुत भारी भीड़ आई और उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और मैं गाड़ी से जैसे निकल के भागा तो गाड़ी पर उन्होंने पत्थर बरसाने और ये आपके सामने जो भी हालात हैं। और मैं चिल्लाता रहा, भाई मेरी गाड़ी, मेरा क्या लेना देना, मेरा क्या लेना देना। और वो कहते रहे कि आएगा तो सीपीएम आएगा, नहीं तो कोई नहीं रहेगा।